रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति सहाय, गेस्ट फैकल्टी सीपीपीएस रांची यूनिवर्सिटी एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो खांची 90.4 एफएम। हम सबका रेडियो and in this audio lecture I am going to talk about some idioms which are really very important regarding exam points of view. So let's start. The first one is a blessing in disguise. Disguise ka spelling hai D-I-S-G-U-I-S-E, disguise. Iska matlab hota hai a good thing that seemed बैड एट फर्स्ट। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में देखने में तो बुरी लगती हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। द सेम थिंग इज सेइंग हियर, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। द नेक्स्ट वन इज अ डाइम ए डजन, ए डाइम डी आई एम ई डाइम, ए डजन डी ओ जेड ई एन डजन। इसका मतलब होता है समथिंग कॉमन, जो कॉमन हो। द नेक्स्ट वन इज बीट अराउंड द बुश, बी ई ए टी बीट अराउंड द बुश, बी यू एस एच बुश। इसका मतलब होता है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया या फिर आप जेन्युइनली वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते और आपके मुंह से निकलने वाला होता है और आप उस चीज़ को कहते कहते रुक जाते हैं यूजुअली बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। फाइन, द नेक्स्ट वन इज बेटर लेट दैन नेवर, बी ई डबल टी ई आर, बेटर लेट एल ए टी लेट दैन टी एच एन दैन नेवर एन ई वी ई आर नेवर। इसका मतलब होता है बेटर टू अराइव लेट दैन नॉट टू कम एट ऑल। अच्छा है देर से ही आए, कम से कम आएंगे तो सही। ऐसा ना हो कि बेटर टू अराइव, देर से आए लेकिन आए, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी करें और फिर कोई दुर्घटना हो जाए। देर से आना भला है, ठीक है, बजाय इसके कि हम कभी आए ही ना। द नेक्स्ट, ऐसा कई बार आप मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे फिर से इसी को डिस्कस करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा बेटर लेट देन नेवर, बहुत सारे बोर्ड रोड पे भी लगे हुए होते हैं कई बार इस कोटेशन के साथ, ये ईडियम यूज़ किया हुआ होता है वहाँ पे दुर्घटना से देर भली बताने के लिए सिम्बोलाइज्ड वे में। फाइन, द नेक्स्ट वन इज कॉल इट ए डे, सी ए डबल एल कॉल इट आई टी इट ए डे डी ए वाई डे। इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे काम चल रहा हो तो उसे रोकना। अगर किसी कोई चीज़ पे काम चल रहा हो, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो तो उसे रोक देना, मतलब छुट्टी लेने जैसा है ये। द नेक्स्ट वन इज कट समबडी सम स्लैक, सी यू टी कट समबडी एस ओ एम ई सम बी ओ डी वाई वरी सम स्लैक एस ओ एम ई सम एस एल ए सी के स्लैक। डोंट बी सो क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है आपको, बहुत जटिल नहीं होना है, ठीक है। समटाइम्स जैसे प्लीज़ कट इट टू स्लैक, फाइन। तो कहते हैं कि ज़्यादा क्रिटिकल मत बनो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत हो जाओ, जटिल मत हो जाओ, मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। फाइन, द नेक्स्ट वन इज गेट आउट ऑफ हैंड, जी ई टी गेट ओ यू टी आउट ऑफ हैंड एच एन डी हैंड, इट मीन्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इफ़ समवन इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल यू कैन से दैट ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड, शी इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ऐसा कहते हैं दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ हैंड, मैं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, यार तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। तो यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, इन स्टीड वी कैन यूज़ द ईडियम दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। द नेक्स्ट वन इज गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, इसका मीनिंग होता है डू द थिंग यू हैव बीन वॉन्टिंग टू डू सो यू कैन मूव ऑन। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हम करना चाहते हैं और बहुत चाह होती है उन चीज़ों को करने की, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे करते हैं तो मूव ऑन कर जाते हैं। कई बार बहुत सारे दुख से
हम मूव ऑन करना चाहते हैं और कुछ चाह होती है कि अगर हम ये चीज़ करें तो इससे मूव ऑन कर सकते हैं, लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स, अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में हम इससे मूव ऑन कर सकते हैं. गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, डू द थिंग यू हैव बीन वॉन्टिंग टू डू सो यू कैन मूव ऑन. द नेक्स्ट वन इज गेट योर एक्ट टूगेदर, GET, गेट योर वाई यू आर योर एक्ट ACT एक्ट टूगेदर TOGETHER, गेट योर एक्ट टूगेदर. इट मीन्स वर्क बेटर और लीव, अच्छे से काम करो नहीं तो जाने दो. कई बार हम लोग अपने छोटे भाई बहन को कहते हैं या घर में किसी को कहते हैं या दोस्तों में कहते हैं, करना है तो अच्छे से करो नहीं तो जाने दो. गेट योर एक्ट टूगेदर. द नेक्स्ट वन इज गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, जियो गो बैक BACK बैक टू द ड्रॉइंग DRAWING ड्रॉइंग बोर्ड BOARD बोर्ड. इट मीन्स स्टार्ट ओवर, शुरू से शुरू करना, मतलब स्टार्ट ओवर. एक बार ऑलरेडी स्टार्ट था लेकिन किसी वजह से वो रुक गया एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ओवर. फाइन. द नेक्स्ट वन इज हैंग इन देयर, HANG हैंग IN THERE देयर. इट मीन्स डोंट गिव अप. कहते हैं ना यार कोई एग्ज़ाम है बहुत डिफ़िकल्ट है, कई बार आप नर्वस हो जाते हो, कई बार आप नेगेटिव फील करने लगते हो, मतलब ये नॉर्मल है कि एक लाइफ में अगर कोई एक एस्पिरेंट किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो तो बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं, जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, मेरा कुछ इसमें हो पाएगा या नहीं, मतलब मैंने कोई गलत स्टेप तो चूज़ नहीं कर लिया, मुझे कहीं कुछ और करना था मैंने ये कर लिया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने लगती हैं. तो उस समय अगर आपको कोई ये कहे प्लीज़ डोंट थिंक ऑल दिस थिंग, जस्ट हैंग इन देयर, इट मीन्स डोंट गिव अप, तुम्हें छोड़ना नहीं, आप अपने आप से स्पेशली कह सकते हो उस चीज़ को, हैंग इन देयर, डोंट गिव अप. फाइन. द नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट रॉकेट ROCKET रॉकेट साइंस SCIENCE साइंस. इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. कई बार हम लोग नॉर्मली किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहा हो तो बोलते यार बहुत ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा. तो उसी में से हम में से कोई एक हमारा फ्रेंड या हम कभी किसी को कह देते हैं जस्ट चिल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी. ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो तुमसे नहीं हो पाएगा. खुद को भी कह सकते हैं हम ऐसा मोटिवेट करने के लिए, मान लो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. कई बार हम कहते हैं जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम खुद में भी लगने लगा रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, अब और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बस 5 मिनट ही और पढ़ना है, तो हम लोग उस कंडीशन में कह सकते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी, चलो आज ही डन कर लेते हैं इसे. ठीक है. मिस द बोट BOAT बोट MISS मिस द बोट BOAT बोट. इसका मतलब होता है इट्स टू लेट. कह सकते दैट यू मिस द बोट टूडे, आज बहुत लेट हो गया. जैसे आप कहीं पर पहुँचे, पार्टी ख़त्म हो गई और आप पहुंच रहे हो वहाँ पे, तो आपके फ्रेंड्स या फिर जो होस्ट है जिन्होंने आपको बुलाया है पार्टी के लिए, वो क्या बोलेंगे, यू मिस द बोट, मतलब यू आर टू लेट, इट्स टू लेट. कई बार ऐसा भी होता है कि आप बोल रहे हो कि चलो कहीं बाहर होकर के आते हैं और बहुत देर हो चुकी होती है रात को, तो सॉरी वी कांट गो आउटसाइड, इट्स टू लेट कहने के जगह पे कह सकते हैं दैट वी मिस द बोट. द नेक्स्ट वन इज पुल Someone's leg, PULL pull, SOME some, ONE'S leg, LEG leg. It means to joke with someone, किसी के साथ मजाक करना. ठीक है, किसी की कहते ना किसी का टांग खींचना, it's just like that, किसी का मजाक बनाना. The next one is pull yourself together, PULL pull, YOUR your, SELF self, together, TOGETHER together. It means calm down, CALM calm down, खुद को calm down करना. ठीक है, pull yourself together, calm down, calm down. We mostly use this. जैसे बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत उत्तेजित हो रहे हो, बहुत मतलब mind एकदम चिड़चिड़ा हो गया हो, तो what can we say that pull it together, just calm down. Fine. The next one is time flies, TIME time flies, FLIES flies, when you are having fun.
इट मीन्स यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट्स फन. ये सच ही है. कितनी बार ऐसा नहीं है कि दुख में समय, दुख बहुत लंबा लगता है, दुख का समय हो तो बहुत लंबा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर खुशियों का पल हो तो ऐसा लगता है जैसे कितनी जल्दी बीत गया, और दुख है कि कांटे कट नहीं रहा. तो ऐसा कई बार होता है ना, जैसे आज मान लो किसी का बर्थडे, पूरा दिन निकल गया, किसी पार्टी में गए और कल याद करें, वाह कल क्या दिन था, कल की पार्टी क्या कितनी अच्छी थी, पर कितनी जल्दी समय बीत गया. ऑफन हम लोग इस तरीके का बात करते हैं. तो टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट्स फन. फाइन, विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड माई डिस्कशन हियर. नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस सम मोर idioms. फाइन, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग.